नमस्कार दोस्तों, मैं सफी खान और आपने देखना शुरू किया है SKJ TV। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति किस प्रकार से वो मेहनत से अपनी पेट पूजा करता है, उसको क्या कुछ तकलीफ होती है, हमने जानने की आज कोशिश की है। हम जानते हैं इनसे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर युधिष्ठिर चावला है। हाँ, बालोतरा के रहवासी हुए हैं। ठीक है, बाल मजदूरी करता हूँ। कैसा महसूस हो रहा है, आप इतनी गर्मियों में मजदूरी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेट पापी है सर, करना पड़ता है। महंगाई कितनी बड़ी है, क्या कहेंगे? हाल तक जैसे कि जब तक 500-1000 रुपये जब तक नहीं हो तब तक गर्द नहीं चलेगा। महंगाई बहुत बड़ी है। अभी गहलोत सरकार ने ये कहा है कि गैस सिलेंडर 500 में देंगे, क्या कहेंगे आप? गहलोत सरकार का बहुत एहसान है कि हमारा थोड़ा बहुत हर चीज़ में फ़ायदा है। गहलोत सरकार का बहुत एहसान है कि हमारी सरकार बहुत बढ़िया है, हमारे राजस्थान के लाइक सरकार है। और बालोतरा के लिए अपने मर्दन प्रजापत बहुत अच्छे इंसान है। बालोतरा जिला बन गया है, अब आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी खुशी की बात है सर, बहुत धन्यवाद है मर्दन प्रजापत को, जो इन्होंने मेहनत की, जो हमारे लिए बहुत काम आई। आने वाले समय में यहाँ का विधायक कौन आएगा वापस? बालोतरा में डेफिनेटली मर्दन प्रजापत। आपको पूरा यकीन है? पूरा यकीन है, इन बंदे को कोई हिला नहीं सकता। और बाड़मेर जिले में, बाड़मेर में मेवाराम जैन को कोई हिलाने वाला नहीं है, और बालोतरा में मर्दन प्रजापत को हिलाने वाला कोई नहीं है अभी तक। और क्या कहना चाहेंगे आप? और यही कहना चाहता हूँ कि हमारे को सदाबहार हमेशा सालों साल हर साल कहना मैंने मदन प्रजापति चाहिए। बालोतरा के लिए विकास के लिए एक मजबूत कड़ी और मजबूत आदमी मदन प्रजापत। आपके यहाँ पे साइकिलों की दुकान है, यहाँ पे होलसेल मिलती है या फिर रिटेल में, कैसे कुछ देते हैं आप? सारा काम है सर, रिपेयरिंग का काम भी है, न्यू साइकिल का भी है, और न्यू साइकिल बेचते हैं। पहले साइकिल पापा जी के टाइम था पहले सर्विस करते थे, दुकान थी, नॉर्मली काम था। हमने मेहनत की, थोड़ा बहुत कर्ज लिया, थोड़ा बहुत सबसे काम किया, सबसे अच्छा व्यवहार रखा, तो हमारा काम तो अच्छा, बार कारोबार है और चल रहा है, हाथ मजदूरी करते हैं। आपको क्या लगता है एक दुकान को तरक्की देने के लिए किस प्रकार से व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए? उसके लिए तो दिन रात एक करने पड़ता है, हर चीज़ का बलिदान देना पड़ता है। कुछ लोग भाईसणों का भी सहयोग होता है हमारे लिए। धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं, अगर आप कभी भी बालोतरा आते हैं तो इनकी दुकान पे आके साइकिल खरीद सकते हैं। क्या नाम है आपकी दुकान का? महादेव साइकिल बालोतरा। आप देख सकते हैं व्यक्ति को, इसके चेहरे पर शायद मुस्कान दिखती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट SKJ TV बालोतरा। धन्यवाद।